একটা সংবাদ মেলালো লৈ যাম উসকো কাটা গয়া হে কাটার্স কে সাথ নিকালতে রহে রাত ভর কাম হুয়া ইসকে উপর অর টিমস জো হ্যায় হামারে রাট মাইনার্স এক্সপার্টস জো হ্যায় বড়া মুশকিল কাম জো কর রহে হ্যায় বড়ি এনক্লোজ স্পেস মে কর রহে হ্যায় অর সাথ মে আর্মি ইঞ্জিনিয়ার্স ইয়ে সব মিলকর ইনহোনে কাম কিয়া হ্যায় They have been able to take it to 58 meters, which is a phenomenal achievement, I would say. Ke 10 meter manual, 24 ghante se kam mein unhone achieve kiya hai. This is something almost like as if a machine has been working. Aur iske bawajood, abhi hum 58 meter pe hain, pipe piche se push hota gaya hai with the help of the auger machine, the pressure of the auger machine. And we are hoping... अंदर दो मीटर तकरीबन लगेगा और अंदर पुश जब होगा तब वी कुड से दैट आर पार हो गए हैं ये खबर तो जरूर आई है उसको मैं कंफर्म भी कर सकता हूं कि अंदर से लोगों ने कहा है कि आवाजें आ रही हैं काम होने की जगह जहां पर तकरीबन ये छेद निकलेगा जहां पर टनल निकलेगा वो उसका अंदेशा लगाया जा सकता है अब अंदर से कुछ हद तक तो ये सब बहुत पॉजिटिव खबरें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं इस वक्त मगर याद रखिए कि अभियान जब इस तरह का चलता है जिसमें 400 घंटे से ज्यादा हम इन्वॉल्व रहे हैं अभी तक पूरे सेफ्टी प्रिकॉशन आखिर तक सेफ्टी प्रिकॉशन जो है वो अपनाए जाएंगे किसी चीज पर भी प्री मेच्योर कार्रवाई प्री मेच्योर अनाउंसमेंट करना जो है वो गलत होगा It'll be against all principles. तो इसलिए पूरे सेफ्टी प्रिकॉशन आपको याद दिला दूं अंदर 41 हैं बाहर बहुत लोग हैं जो इसमें जुटे हुए हैं इस काम में उनका उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी जो है उतनी ही उतना ही महत्व रखती है जितना अंदर वालों की है सो वी आर नॉट इन एनी हरी मगर हम अपनी पाबंदी के मुताबिक मीडिया से मिल रहे हैं 4:15 बजे आपको बता रहे हैं ये कि ये स्थिति इस समय है इसके ऊपर मैं ये भी बता दूं कि ये एफर्ट जो है डिस्पाइट मेनी हर्डल्स बहुत बाधाएं आई हैं इसमें बिल्कुल जैसे एक अभियान के अंदर होता है कि अभियान में प्लान ऑपरेशंस के अंदर प्लान बनाए जाते हैं तजवीजें बनाई जाती हैं मगर जब जैसे ही ऑपरेशन लॉन्च होता है वो तजवीज जो है वो नष्ट हो जाती है उस तजवीज को दोबारा रिव्यू करना पड़ता है और यू हैव टू कीप रीमेकिंग योर प्लान्स बिल्कुल वैसा ही हुआ है वैसी स्थिति यहां हुई है अब देखें पूरे 5 ऑप्शन 6 ऑप्शन हो गए थे कहीं कहीं सामान कहीं कहीं मशीनें फंसी हुई थीं उनको सुपर ह्यूमन एफर्ट लग रही थी यहां पर लाने के लिए गवर्नमेंट का कोई ऐसा डिपार्टमेंट ही नहीं है जो शायद इसके अंदर जुटा नहीं था बड़ी खुशी होती है जब कहते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर वहां से शुरू अगर करें मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज विच इज बीन द कोर मिनिस्ट्री इन्वॉल्व्ड इन दिस होल थिंग जब 12 तारीख को इसकी खबर आई तो सबसे पहला जो शायद हमने जो कम्युनिकेशन किया था वो रेलवे बोर्ड क्योंकि सबको मालूम है कि रेलवेज के पास बहुत एक्सपर्टीज होती है टनलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जिस तरह का काम हो रहा है अभी कश्मीर के रेलवे के लिए टू कनेक्ट जम्मू टू बारामूला उस तरह के काम में बड़ा उनका तजुर्बा है तो द फर्स्ट थिंग वॉज मेड टू द रेलवे बोर्ड एंड टू द रेलवेज टू ब्रिंग देयर एक्सपर्टीज फॉरवर्ड एंड फ्रॉम देयर इट स्टार्टेड एंड डिफरेंट एजेंसीज हैव जॉइंड इन फ्रॉम टाइम टू टाइम इंडियन एयरफोर्स का काम NDRF का जो जिसकी दो टीम वहां पर लगातार काम कर रही हैं ऑल काइंड्स ऑफ जॉब्स दैट द NDRF हैज बीन इन्वॉल्व विद बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने सड़कें अलग अलग किस्म जगह बनाई हैं जहां पर सामान लाने के लिए बड़ी मशीनों को लाने के लिए ब्रॉडन किए हैं सड़कों को ब्रॉडन किया है डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन जिन्होंने आकर वहां पर पूरी कनेक्टिविटी अभी तो आराम से हम बात कर रहे हैं वहां से मीडिया बात कर रहे हैं पूरा कनेक्टिविटी वहां से इंप्रूव की है और राज्य सरकार को नहीं भूल सकते इसमें राज्य सरकार देयर इन्वॉल्वमेंट SDMA SDRF उत्तराखंड की SDRF जो है बड़ी मानी हुई SDRF है बीन इन्वॉल्व्ड इन मेनी
such disaster situations in the past. और आखिर में मैं समझता हूँ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन बिना डिप्टी कमिश्नर साहब और एसएसपी के कोई चीज नहीं हो सकती कहीं. आई थिंक दे हैव डन अ मार्वलस जॉब एब्सोल्युटली. मगर ये सब तब मुमकिन होता है व्हेन द डायरेक्शंस फ्रॉम द टॉप आर एब्सोल्युटली क्लियर कट. अगर डायरेक्शंस हैं ऊपर से, अब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से, आप माननीय प्रधानमंत्री से देखिए, वहां से पीएमओ प्रिंसिपल सेक्रेटरी खुद कल गए वहां पर, मुआयना किया पूरा, took stock of the situation, gave directions, additional resources की जरूरत थी उस पर directions दिए, बात की अंदर, सबका मोराल और मोटिवेशन बढ़ाया वहां पर. All this has helped in making sure that जितनी resources जो बिखरी हुई resources हैं उन सबको एक साथ एकजुट करना और उसका effectiveness निकालना, उसका लाभ निकालना, that is the work of the leadership. And that is what exactly has been done here, along with, of course, the Ministry of Roads, Transport and Highways. Jan V.K. Singh sahab wahan khud maujood hain, zyadatar waqt wahin par maujood the. Aur yahan tak ki jahan par bhi expertise Bharat mein hai, jahan par bhi jo koi offer kar raha tha, usko accept kiya, unko enable kiya wahan jane ke liye. Badi khushi hai Jan Harpal Singh, purane hamare Director General Border Roads aur Engineer in Chief, जिनको बहुत तजुर्बा है टनलिंग का, उनको भेजा गया वहां पर, वो अभी भी वहां पर मौजूद हैं. तो इस तरह से ऑल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच को प्रैक्टिकल तरीके से जोड़ा, मैं समझता हूं इसका बहुत दिनों से हमने शायद इतना बड़ा एग्जाम्पल नहीं देखा है. अब मैं आपको बताऊं कि कल शाम से क्या क्या चीजें हुई हैं वहां पर. ये सब जो आपको बताया है मैंने, वर्टिकल ड्रिलिंग भी चलती गई. अभी इस समय वर्टिकल ड्रिलिंग 45 मीटर्स, कल मैंने आपको 36 मीटर बताया था, अभी 45 मीटर पे है. मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि हमने अभी तक सब कुछ बंद नहीं किया ये सोचकर कि हमारा हॉरिजॉन्टल प्रोब जो है वो सक्सेसफुल हो गया है और अब सब कुछ सही है और सब कुछ जो है वो खत्म होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है. जितने ऑप्शंस हैं ऑप्शंस अपनाए हुए हैं. अभी तक 45 मीटर्स तक वो ड्रिलिंग पहुंच गई है. ये रिडंडेंसी के लिए है कि अगर किसी भी हालत में आखिरी क्षण तक अगर हमको कामयाबी नहीं पाई, कहीं नहीं मिली, तो उस हालत में ये 45 मीटर जो गए हैं ये बहुत हमारे लिए सक्सेसफुल जो है वो हुए हैं, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, महत्व बहुत इसका रहेगा वहां पर. बाकी जो एफर्ट्स हैं पीछे से वो भी चल रही हैं, ब्लास्टिंग की भी चल रही है, तकरीबन 12 मीटर वहां पर अचीव हो गया है. जो बाकी मशीनरी आ गई है उसको अभी स्थिर रखा हुआ है कुछ जगहों पर, मगर जैसी जरूरत पड़ेगी अगर तो वो सब मूवमेंट वो भी शुरू हो जाएगा. मैं आपको बताता हूं चंद एक बातें कि जब इवैक्यूएशन फेज आएगा, और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द आएगा, प्रार्थना करते हैं, उम्मीद नहीं करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द ही आएगा. तो एनडीआरएफ का इसमें रोल बहुत इंपॉर्टेंट है. 3 टीम, 4 जवान की टीम, 12 लोगों की वो बनी हुई हैं, अंदर जाएंगी ऑर्गेनाइज करने के लिए. ये पूरा वो फ्रेश हैं, ऑर्गेनाइज करेंगे जाकर अंदर. एसडीआरएफ एनडीआरएफ को सपोर्ट देगी, साथ में जो हमारे मेडिकल पर्सनल हैं पैरामेडिक्स वो जाएंगे अंदर. एक पूरा मेडिकल प्लान बनाया हुआ है जो एग्जीक्यूट होगा ग्राउंड. पूरा जो लेबर है उसको ब्रीफिंग उनको इसके मुताबिक दी है. स्ट्रेचर्स के ऊपर, स्ट्रेचर्स के रिसोर्सेज वहां पर, स्ट्रेचर अगर किसी हालत में फंस गया तो वो कंटिंजेंसी में किस तरह से उसको निकाला जाएगा, ये सब भी देखा गया है. ये अंदेशा लगाया है कि एक एक इंडिविजुअल को आउट ऑफ द 41 एक एक इंडिविजुअल को तकरीबन 3 से 5 मिनट लगेंगे निकालने के लिए, ईच वन इंडिविजुअल. तो आप लगा सकते हैं कि आउटर लिमिट अगर हम देखें कि 5 मिनट अगर लगाते हैं एक इंडिविजुअल पे, वो तब एग्जैक्टली कंफर्म होगा जब पहला, दूसरा या तीसरा इंडिविजुअल निकलेगा. अगर 5 मिनट का भी अंदेशा लगाते हैं तो हम 3-4 घंटे, ऑलमोस्ट 3-4 घंटे लग जाएंगे, क्योंकि गैप भी होंगे बीच में, कुछ कंटिजेंसी होगी, कुछ इक्विपमेंट शायद टूटेगा, कुछ होगा, तो इसके मुताबिक आप 3 से 4 घंटे इसका अनुमान लगा सकते हैं. पोस्ट इवैक्यूएशन जो है, जब
सब के सब निकल गए हैं बाहर। तो मैं ये भी बता दूं आपको कि अभी भी वहां पर चिनूक हेलीकॉप्टर, बड़ा वाला डबल रोटर का हेलीकॉप्टर, वो चिन्यालीसौर जो एयरफील्ड है 30 किलोमीटर दूर, वहां पर हेलीपैड भी है, बिल्कुल साथ में हेलीपैड भी है, वहां खड़ा हुआ है। उसका लास्ट टाइम है 4:30 बजे, उसके बाद वो जो है रात के वक्त नहीं फ्लाई करेंगे उसको। 4:30 बजे के बाद अगर ये डिले हो गया, डिले हो रहा है इस वक्त, तो अगले दिन सुबह उनको लाया जाएगा। वहां पर होल्डिंग फैसिलिटी है, 30-30 बेड की फैसिलिटी है वहां पर अस्पताल में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, जो बिल्कुल तैयार है इस वक्त। और 10 बेड की फैसिलिटी वहां पर साइट पर है, जो भी तैयार हैं। तो इसलिए मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और मेडिकल वेलफेयर की तरफ से कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी है, वो सब ठीक रहेगा। रात के वक्त चिनूक हालांकि फ्लाई तो कर सकता है, मगर मौसम भी इतना ऐसा नहीं है, और इतनी, मैं समझता हूँ, इतनी अर्जेंसी भी शायद नहीं होगी। अगर बहुत ज़्यादा अर्जेंसी है तो रात के वक्त एक या दो कुछ एम्बुलेंस के अंदर जल्द से जल्द नीचे ऋषिकेश उनको लाया जा सकता है। साइट के ऊपर ट्रायज किया जाएगा, प्रायोरिटाइजेशन किया जाएगा, जैसे कैजुअल्टी प्रायोरिटाइजेशन किया जाता है, हालांकि ये कैजुअल्टी नहीं है, मगर उसके बाद लाकर उनको जब नीचे हॉस्पिटल में वो दाखिल होंगे, एक्चुअली तो 48 से 72 घंटे की मॉनिटरिंग होगी सबकी, क्योंकि जब ह्यूमन बॉडी इतनी देर तक आइसोलेशन में, तकरीबन आइसोलेशन में, अवे फ्रॉम नॉर्मल ह्यूमन एक्टिविटी रहती है, तो उसके ऊपर अलग अलग किस्म के असर आते हैं, बेस्ड अपॉन योर फिजियोलॉजी, बेस्ड अपॉन आपके साइकोसोशल मेकअप क्या है, तो उसको मॉनिटर किया जाएगा। कभी कभी हो सकता है कि किसी के ऊपर असर ज्यादा हो, जो कुछ घंटों के बाद साबित होने लगे, जस्ट टू फोरस्टॉल दैट, फोरक्लोज दैट दैट पॉसिबिलिटी। ये मॉनिटरिंग तकरीबन 48 से 72 घंटे तक चलेगी। मैं समझता हूं कि मैंने ज्यादातर चीजें आपके लिए कवर कर ली हैं। इसके सिवाय के मैंने आपको सिर्फ ये नहीं दिया है कि फाइनल सिग्नल नहीं दिया है कि थ्रू एंड थ्रू रोशनी आ गई है, टनल बन गया है। मैंने आपको आखिर में भी बताता हूं कि 2 मीटर अभी भी जो फाइनल पाइप्स का पुश था, करना था, वो फाइनल पुश अभी भी हो रहा था जब हम उठकर यहां पर आए। मैं समझता हूं कुछ वक्त लगेगा, अरसा लगेगा, इसके बाद भी शायद आपके पास खुद फोन कॉल आने लगे, तो आप समझ सकते हैं कि थोड़ा सा हमको सबको इंतजार करना पड़ेगा। अब मैं हैंड ओवर करता हूं चौहान साहब को, कुछ बातें उनकी तरफ से टेक्निकल चीजों के बारे में वो आपको सुनाना चाहेंगे। सर, मैं पुनः एक बार, आपने जो होल ऑफ गवर्नमेंट की अप्रोच की बात कही सर, उसके बारे में कुछ और बताना चाहूंगा सर, कि भारत सरकार की सभी जो पब्लिक सेक्टर एजेंसीज हैं वो भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल इसमें उन्होंने अदा किया है सर। जैसे NHIDCL तो रोड मिनिस्ट्री की ही ऑर्गेनाइजेशन है सर, सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड सर पावर मिनिस्ट्री के अंदर ऑर्गेनाइजेशन है, RVNL रेल विकास निगम लिमिटेड जो टनल इत्यादि बनाने का काम करती है, रेलवे की ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी रेल मिनिस्ट्री के अंतर्गत बड़ा अच्छा काम किया। ONGC पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, और टेरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये भी पावर मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है। तो इन सब पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस ने भी अपने बेस्ट रिसोर्सेज, इनको जो जो जिम्मेवारी दी गई, इसमें अपने बेस्ट रिसोर्सेज, बेस्ट इक्विपमेंट, बेस्ट ह्यूमन रिसोर्सेज हो या कुछ भी स्किल हो, देश के किसी कोने में भी हो, उसको इन्होंने एक द्रुत गति से लाने का जो काम किया है, प्रयास किया है, और इसके लिए सर होम मिनिस्ट्री का भी बड़ा सहयोग रहा, जो पूरे देश के अंदर ग्रीन चैनल बनाने के लिए उन्होंने, चाहे वो रेल से आ रहे हों, चाहे वो इक्विपमेंट बाय प्लेन एयरफोर्स के माध्यम से या अन्य चार्टर्ड फ्लाइट से आ रहे हों, या वो जो है बाय रोड आ रहे हों, हमारे नेशनल हाईवेज के माध्यम से आ रहे हों, इसकी प्लानिंग देश के प्रत्येक DM और SP से कोऑर्डिनेट करना सर, इसमें भी बड़ा महत्वपूर्ण, और इसके लिए प्रत्येक दिन सेक्रेटरी रोड के अंडर में एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग होती थी कि किस किस एजेंसी ने क्या क्या कितना काम कर लिया, और आगे आने वाले 24 घंटे में उनका क्या
प्लानिंग है, उनको क्या क्या काम करना है, क्या उन्हें कोई कठिनाई तो नहीं महसूस हो रही है। और दूसरा ये एक टेक्नोलॉजी शेयरिंग का एक प्लेटफॉर्म भी था कि जैसे कुछ सॉल्यूशन जो थे वो ONGC को मालूम थे, कुछ RVNL को मालूम थे, कुछ NHIDCL को मालूम थे, तो जब कंट्री के बेस्ट टेक्निकल ब्रेन एक साथ बैठते थे तो सॉल्यूशन भी निकलते थे। तो ये इसी तरह से सर आपने बाकी सब बता दिया है, तो द फ्लोर इज नाउ ओपन फॉर क्वेश्चन। अब हम फ्रंट रो से ही शुरू करते हैं। थोड़ा स्पीक इन द माइक। सर ऋषि फ्रॉम हिंदू बिजनेस लाइन, जस्ट वन क्लैरिटी। एट 2:00 द उत्तराखंड CM ट्वीटेड ऑन एक्स सेइंग दैट द वर्क टू ले द पाइप्स हैज बीन कंप्लीटेड एंड सून द वर्कर्स विल बी ब्रॉट आउट। नाउ राइट हियर यू हैव सेड दैट स्टिल 2 meters आर लेफ्ट। कुड वी गेट मोर क्लैरिटी हाउ मच पाइप हैज बीन लेड, बिकॉज यू क्लियरली सेड। बहुत अच्छी बात है। कभी कभी कम्युनिकेशन ब्रेक, कभी कभी कम्युनिकेशन ब्रेक। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 91। नो, आई एम नॉट इंसल्टिंग यू इन एनी वे। नो, आई विल नॉट। लेट मी हैंडल दिस माय वे, राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल आई अपोलोजाइज, आई डोंट वांट टू दिस थिंग्स टू टॉक यू। I agree. But I also want to advise you. I also wish to advise you that there is always scope for a little bit of leeway here and there. We have been waiting for the better part of how much? 15 days now? 16 days now? Iske andar a couple of hours here and there doesn't really make a difference. Neither to your health, neither to my health. We are concerned about the nation, we are concerned about 41 lives. Let's discuss that. Sir, this side, Brahma Prakash Dubey, Zee News se. मेरा सवाल यह है कि जो आपने बताया लास्ट के 2 meters लगभग का हिस्सा रह गया है, क्या अभी उसमें कोई ऐसी स्थिति है कि काम रुका हो या कुछ ऐसा मिला हो, या काम चल रहा है सीधे और उसका पर्टिकुलर एक अनुमान टाइम कि अगर उसमें कुछ दिक्कत नहीं आई तो इतने टाइम में हो जाएगा? मैं उम्मीद रखता हूँ कंप्लीटली कि कोई इसके अंदर अड़चन नहीं आएगी अब। बट एज वी आर अवेयर, इतने दिनों से इस 58 meters से 60 meters जो हम जा रहे हैं, पहले भी बहुत दफे हुआ है कि 22 से 24 और 24 से 26 के बीच में अड़चने आई हैं, एंड दैट इज डिलेड अस स्लाइटली। तो एज आई टोल्ड यू कि आवाजें आ रही हैं उस पार, ये ड्रिलिंग की आवाज आ रही है, खोदने की आवाज आ रही है, विच मीन्स वी आर वेरी वेरी क्लोज फॉर माई टेक्निकल नॉलेज, बट आई रिलाय मोर ऑन विशाल चौहान साहब टू कन्फर्म दैट। वंस यू गॉट थ्रू, थ्रू एंड थ्रू हो गया, रोशनी दिख रही है आपको एक दूसरी तरफ की, थोड़ा स्टेबिलाईजेशन करना जरूरी है, ठीक है? और ये भी मैं आपको बता दूं कि ये थ्रू एंड थ्रू मूवमेंट ऑफ 41 पीपल इज नॉट ए स्मूथ मूवमेंट। ये भी इसके अंदर भी अड़चन आएंगी, जब आप स्ट्रेचर को मूव कर रहे हैं अप एंड डाउन, तो दे विल बी फ्रिक्शन, दे विल बी अ लिटिल बिट ऑफ रंबलिंग। ग्राउंड जीरो खबर एक मुहूर्त आम उत्तरकाशीर गई उत्तरकाशी हेसिलकियारा टनल किसु दृश्य किधरणे चिनुक हेलिकप्टर तक सजू हो किसु मुहूर्त पूर्वे संबदम इतना चलि संबदम NDMA एर फल जे दुई मिटार आसे दूरत दुई मिटार खि पाइप बहुवार गोटे कम काज शेष हर लगाल भर जी सजू कर रखा स्ट्रेचर সেই স্ট্রেচার লৈ 2-3 গৰাকী বা 3-4 গৰাকী NDRFৰ লোকে সোমাই যাব। তেওঁলোকক এজন এজনকৈ উলিয়াই অনা হ'ব। এজন এজনকৈ উলিয়াই অনাৰ যিখিনি সময় প্ৰায় 5 মিনিটৰ আশে পাশে, 4-5 মিনিট এজন এজন শ্ৰমিকক উলিয়াই অনাৰ বাবে সময়ৰ প্ৰয়োজন হ'ব। এইখিনিতে জনাম যে 60 মিটাৰ আহিব। পোনপটীয়াকৈ পুনৰ আমি সংবাদমেলখনলৈ লৈ গৈছোঁ NDMA। I'm sure Jahan Saab may have something to say on that. How difficult was it to go in and do this kind of a work manually? Well, I can only imagine it. I am hugely claustrophobic myself, right? I can tell you, I have been through a
60 to 70 meter 1 meter drum pipe in Siachen Glacier. It was mind-boggling, I can tell you. I came out at the other end traumatized, virtually. Now, here you have to have a special talent for a thing like this. And that's why main to salaam karta hun. Salute a person who can go in, stay there for that much time and do physical activity. Not only physical activity, actually even work with gas cutters inside. Jo Chauhan sahab abhi keh rahe the, ke people have been doing this in the last couple of days. In this enclosed 1 meter space, जाकर अंदर क्रॉल करके hardly any air to breathe and you are carrying out work with heat implements. I think they really need a salute from our side. Yeah, sir. I have a question for Chauhan sir. You everyone is talking about the technology that the export workers are using, but who actually hired these people? Is it NHIDCL or the contractor himself? No, sir, that is important to understand, because then we come to know how exactly it is happening. And second part, sir, why it was decided that they should be used rather than gangmen or others? Last question, don't take it otherwise, because now, fortunately, we'll get everyone out. Now questions will be raised about this entire tunnel, the security, the quality, what kind of action the government is taking. Though I know you are from NHAI, but since you are handling this entire operation fair from here, that's why I'm asking, sir. Can I just take the first part of your question? I think it's a very interesting thing that you have raised. Ki kisne inko bulaya? Kisne inko hukum diya? Who has taken on the responsibility, etc. I want to tell you this from this angle of all of government approach. Dekhi, mera phone jo hai na, pichle 5-6 din se ruka hi nahi hai bajna. Ek to, I don't know, somehow NDMA ke website pe mera phone number hai. I'm surprised it is there at all. I should remove it actually from there. ठीक है, सो एनीवन एंड एवरी